नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दुर्गा कुकिंग वर्ल्ड में। आज हम बनाएंगे आलू और प्याज के बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े, और इन पकोड़ों को बनाना है बहुत ही आसान। और जो ये हमारे पकोड़े बनेंगे, इसके बीच में मैं आपको एक दो टिप्स दूंगी, उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है जब आप अपने ये आलू प्याज के पकोड़े बनाएँ। तो आइए शुरू करते हैं इनको बनाना। यहाँ मैंने ले लिए आलू, और आलू को मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सा काट कर तैयार कर लिया है। और साथ में मैंने यहाँ ले लिए प्याज, प्याज को भी मैंने इस तरह से लंबे और बिल्कुल पतले काट कर तैयार किए हैं। अब मैं अपने आलू और प्याज को अपने इस बर्तन के अंदर डाल देती हूँ। यहाँ मैंने ले ली हरी मिर्च, यहाँ मैंने 5 हरी मिर्च काटी हैं, और ये भी मैंने अपने प्याज के अंदर डाल दी है। साथ में मैंने यहाँ ले ली 1 टेबलस्पून अजवाइन, और अजवाइन को हम इस तरह से क्रश करके अपने आलू और प्याज में डाल देंगे। साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैं यहाँ इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि कसूरी मेथी से जो हमारे पकौड़े हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे और इसमें खुशबू भी अच्छी सी आएगी। साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ धनिया। यहाँ मैंने धनिया साबुत धनिया लिया है, और उसके 2 पार्ट होने तक मैंने इसको अच्छे से कूट लिया है। और धनिया मैं यहाँ इसलिए डाला है क्योंकि धनिये से भी जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनके तैयार हो जाएंगे। हल्दी मैंने इसलिए डाला है ताकि हमारे पकौड़े में कलर अच्छा सा आए। और साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर। अब मैं साथ में यहाँ डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून नमक। अब हम अपने पकौड़ों को और टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून अमचूर पाउडर। यहाँ मैंने अमचूर पाउडर को इसलिए डाला है कि अमचूर पाउडर से जो हमारे पकौड़े हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और अगर आपके पास अमचूर पाउडर यहाँ नहीं है तो आप अमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। बेसन आपने यहाँ एकदम नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही हम अपना बेसन डालेंगे, और इस तरह से अपने प्याज में आलू में अपने बेसन को मिलाएंगे। यहाँ हम एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी हम इसके अंदर बेसन मिलाएं तो इसके अंदर हमें किसी पानी का प्रयोग यहाँ नहीं करना है, क्योंकि जो ये हमारे प्याज हैं, आलू हैं, मिर्च हैं, ये इनके अंदर वैसे भी पानी होता है। इस तरह से हमने इसको धीरे धीरे करके हाथ के साथ ही अच्छे से मिलाना है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़े से कड़ी पत्ते इस तरह से तोड़कर। अब जो ये हमारे पकोड़े हैं ये बिल्कुल भी तेल को अब्जर्व नहीं करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच गरम तेल। यहाँ जो तेल है वो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इससे जो हमारे पकौड़े बनेंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। तो ये एक आपके लिए एक सीक्रेट टिप्स भी है कि जब भी आप पकौड़े बनाएं इसके अंदर गरम तेल का प्रयोग ज़रूर करें। जब भी आप पकौड़े बनाएं आपने एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमने अपने ऑयल को खूब गर्म करना है, और इस तरह से हमने अपने पकौड़े अपने ऑयल के अंदर डालने हैं। आप पकौड़े अपनी पसंद के छोटे बड़े कैसे भी आप यहाँ बना सकते हो, लेकिन जैसे ही हम अपने पकौड़े सारे अपने तेल के अंदर डाल देंगे फिर हमने अपनी गैस की फ्लेम को लो मीडियम करना है। अब हमने अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम कर रखा है, और उस लो मीडियम फ्लेम पर ही हमने अपने पकौड़ों को अच्छे से तलना है ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल ब्राउन कलर इनका आ जाए। तब तक हमने अपने पकोड़ों को कंटिन्यू चलाते हुए तलकर तैयार करना है। अब जो ये हमारे पकोड़े हैं इसको मैं इसी स्टेज पर यहाँ निकाल लूँगी, और मैं फिर आपको बताऊँगी कि इनको हमने कैसे अच्छे से फिर पकाना है। कुछ अब जो ये हमारा तेल है हमने फिर इसकी जो गैस की फ्लेम थी हाई कर दी है, क्योंकि जब इतने सारे पकोड़े हमने इसके अंदर से निकाले हैं तो ये बिल्कुल ठंडा सा हो गया था। अब इसी तरह से मैं अपने ये दूसरी बार के पकोड़े भी अपने पैन के अंदर डाल देती हूँ, और इसी तरह से हमने इनको 60 से 70% तक ही हमने इनको एक बार में तलकर तैयार करना है। अब जो ये हमारे पकोड़े हैं इनको मैंने एक बार ही पकाया है,
अब मैं आपको एक ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे हमारे पकोड़े बहुत ही कुरकुरे बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ मैं इन पकोड़ों को दोबारा से अपने तेल के अंदर गैस की फ्लेम को मीडियम करके इनको दोबारा से तल लेंगे। अब जो ये हमारे पकोड़े हैं ये बिल्कुल कुरकुरे से सिक कर तैयार हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब जो ये हमारे आलू प्याज के पकोड़े हैं ये बनकर हो गए हैं तैयार, और आप देखिए इनमें ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इनको वो जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था एक ट्रिक्स के साथ ही हमने इन पकोड़ों को बनाया है। और जो ये हमारे पकोड़े हैं ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ या इमली की चटनी के साथ आसानी से खा सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपके ये पकोड़े कैसे बने, आपके जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं उन्हें आप मेरे साथ ज़रूर साझा करें। थैंक यू। But it's too late now, I remember you.